मतलब ऐसा इम्पोर्टेंस नहीं समझा कि कोचिंग करनी है? बहुत लोग दिल्ली पटना जाते हैं, आपको नहीं लग रहा है? हर टाइप का क्वेश्चन वो सॉल्व करा देते हैं, तो एक नोट्स ही है वो इजी रहता है अगर जो नॉन मैथमेटिक बैकग्राउंड के हैं। पहले तो ये हटाना होगा कि अब बीपीएससी का प्रीलिम्स 2 महीने में निकल जाएगा लूसेंट पढ़ के, ऐसा नहीं हो। वो अपने एग्जाम तक वही फॉलो करे, कोई भी टॉपर भी या फिर कोई नॉर्मल भी सजेस्ट करे तो उनको चेंज नहीं करे। याद करने का तरीका क्या था आपका, कैसे आप याद करते थे? बहुत स्टूडेंट होते हैं कि बोलते हमसे याद नहीं होता। अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हैं तो आप सोचिए कि ये वैकेंसी आप ही के लिए और अभी से लग जाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और इंस्पायरिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आज हमारे साथ खुशबू कुमारी मैम है, इनका इंटरव्यू और अटेम्प्ट भी फर्स्ट है। 67 बीपीएससी इंटरव्यू देके बाहर निकली हैं। 300 जाने के ओवरऑल इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, किस किस टाइप के क्वेश्चन पुटअप किए थे बोर्ड के द्वारा और इनका प्रीलिम्स और मेंस का स्ट्रेटेजी क्या है, और 69th जो मेंस लिखने वाला है इस बार उनके लिए मैम क्या टिप्स देंगी आप लोगों के लिए, और 17th जो प्रीलिम्स होने वाला है उस बदलते हुए पैटर्न के अनुसार किस तरीके से आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है उस पर बात करेंगे। तो चैनल ग्रो करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, उस वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलिए। मैम अपने बारे में थोड़ा बताएं। मेरा नाम खुशबू कुमारी है, मैं लखीसराय की हूँ और मैंने अपना ग्रेजुएशन ओडिशा इंजीनियरिंग कॉलेज से किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। मैम आपका अटेम्प्ट मीडियम और ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रखा था? अटेम्प्ट मेरा फर्स्ट था और मीडियम इंग्लिश था और ऑप्शनल ज्योग्राफी था। तो बीटेक करने के बाद कहाँ से ख्याल आया सब सिविल सर्विसेज की प्रोफेशन के लिए? मोटिवेशन, ये सेल्फ मोटिवेशन था ये सर्विस में आने का मेरा। कौन सा बोर्ड था और कुछ क्वेश्चन रिकॉल कर पा रही हैं आपकी, कैसे कैसे क्वेश्चन? बोर्ड का तो नाम मुझे याद नहीं है और क्वेश्चन सर अर्थक्वेक पे पूछे थे, बिहार में कौन से जोन पड़ता है अर्थक्वेक का, सुनामी से क्वेश्चन थे, स्मार्ट मीटर से क्वेश्चन थे और सिचुएशन बेस्ट क्वेश्चन था। क्या था सिचुएशन बेस्ट क्वेश्चन? कि गांव में जो आरडीओ हैं उनका क्या काम वगैरह आप करेंगी, ऐसा था। मैम बात करिए, कितना सेटिस्फाइड आप, कितना मजा आया मतलब इंटरव्यू देने के बाद? कुछ स्ट्रेस वगैरह है क्या, फिर काम फील हो रहा है? नहीं, पहले जाने से पहले भी नहीं था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सर ने लास्ट में बहुत अच्छा बोला भी कि बहुत सुंदर, बहुत अच्छा चेयरमैन सर। आप का टाइम टेबल वगैरह क्या हुआ करता था प्रिपरेशन के दिनों में, कैसा पढ़ाई करती थी? मैं घर से ही प्रिपरेशन की, सेल्फ स्टडी की, खुद से ही लाइब्रेरी ज्वाइन की हुई थी तो दिन भर पढ़ाई ही करती। जी लखीसराय में, तो दिन भर लाइब्रेरी ज्वाइन करती थी, वहीं पे जो रूटीन फॉलो करती थी रोज का, जो टारगेट रहता था उसको कंप्लीट करना, अगर छूट गया तो उसको फिर से देखना। मैम बात करिए, जैसे आपने बताया कि घर पे रह के तैयारी करते, आपने कोचिंग वगैरह कोई मतलब ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं समझा कि कोचिंग करनी है? बहुत लोग दिल्ली पटना जाते हैं, आपको नहीं लगा ऐसा कुछ? नहीं, मुझे लगा मैं खुद अच्छी तरीके से कर पाऊंगी कोचिंग से, इसलिए मैंने प्री और मेंस खुद से ही किया है। है जी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबके लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उत्कर्ष क्लासेस पॉपुलैरिटी आप सभी लोग जानते होंगे, अभी उत्कर्ष क्लासेस ने 21 साल सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। इस खुशी के मौके पर आप सभी बिहार के एस्पिरेंट्स के लिए कुछ खास अनाउंसमेंट्स लेकर उत्कर्ष क्लासेस आया है। अभी 16 अक्टूबर को उत्कर्ष क्लासेस ने 70th बीपीएससी के लिए चाणक्या बैच लॉन्च कराया है, जिससे कि बिहार के बहुत सारे स्टूडेंट्स लाभान्वित होंगे। उत्कर्ष क्लासेस आप सभी बिहार के स्टूडेंट्स के लिए लाया है डिफरेंट बैचेज विथ बेस्ट क्वालिटी कंटेंट एट द अफोर्डेबल प्राइस। बीपीएससी फाउंडेशन फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, यहाँ आपको 1 साल के लिए सारी फीचर्स प्रोवाइड कराई जाएगी। यहाँ पर आपको कॉलेज के साथ साथ आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी, यहाँ पर आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकेंगे ओनली 3499 रुपीज में। यहाँ आपको फ्री एसे क्लासेस मिलेगी विथ फ्री एसे बुकलेट, फास्ट रिवीजन नोट्स, ई बुक्स, कोर्स प्लानर, टेस्ट सीरीज एंड मेनी मोर। जो भी आपको फीचर्स मिलने वाले हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंड ऑप्शनल बैचेज की प्रिपरेशन भी नए पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको कराई जाएगी। तो फिर देर किस बात की, बीपीएससी उत्कर्ष के साथ अपनी जर्नी को किक स्टार्ट करें। कोर्स ज्वाइन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड पिन कमेंट में है। थैंक यू सो मच। तो अपनी प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी बताएं, बुक लिस्ट वगैरह? जो बुक लिस्ट है हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, और एंशियंट के लिए तो मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी, मगर अब जो ट्रेंड बदल रहा है वो पढ़ना पड़ेगा। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, और इकोनॉमी के लिए मैंने एनसीईआरटी पढ़ी और एक नोट्स आता है रमेश सर सर का वो फॉलो की थी, और बिहार स्पेशल के लिए क्राउन का मैं फॉलो की थी, और करेंट अफेयर के लिए जो स्पीडी है एडिटोरिया है वही फॉलो की, और विजन का जो मंथली मैगजीन है मैं वो भी देखती थी, और मैथ्स का तो बेसिक मैथ्स रहते हैं तो एसएससी के बुक आते राकेश यादव सर का उनको फॉलो करती थी। एसएससी का इसमें मैथमेटिक्स में आना पड़ा उनका? नहीं, कॉन्सेप्ट वाइज है सारा चैप्टर से, तो
हर टाइप का क्वेश्चन वो सॉल्व करा देते हैं, तो एक नोट्स ही है वो इजी रहता है अगर जो नॉन मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड के हैं। तो आपने जैसा कि बोला कि जैसे कि अब बड़ा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा प्रीलिम्स के लिए भी, तो आखिर क्या किस टाइप के चेंजेज आपको दिखाई दिए हैं 69th प्रीलिम्स से, और इस सबने बताया कि सतही तौर पर पढ़ने से बड़ा डेप्थ में जाना पड़ेगा, तो वो क्या चेंजेज है और किस तरीके से उसको टैकल कर सकता है एस्पिरेंट? पहले तो ये हटाना होगा कि अब बीपीएससी का प्रीलिम्स 2 महीने में निकल जाएगा लूसेंट पढ़ के, ऐसा नहीं होगा। पूरे साल आपको प्रिपरेशन करना होगा और करेंट अफेयर जो भी हो रहे हैं उसको 360 देखना होगा कि फैक्ट बेसिस नहीं है, थोड़ा सा आगे पीछे भी पढ़ लीजिए। और पूरे साल हर सब्जेक्ट का अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट आपको जो अच्छी बुक आती हैं उनसे आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी कौन से स्टैंडर्ड तक पढ़ा जाए? स्टार्ट करें तो 6th to 12th हिस्ट्री के लिए कर लीजिए, ज्योग्राफी 11th 12th और प्लस मैप कर लेंगे तो हो जाएगा। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत ही सही रहे। अगर कोई न्यू कमर आना चाहता है जैसे कि बिल्कुल फ्रेश है, तो वो किस तरीके से तैयारी करे, उसके लिए क्या आपका इम्पोर्टेंट टिप्स होगा? सबसे पहले तो वो रिसोर्स को लिस्ट कर ले कि कौन से सब्जेक्ट में क्या फॉलो करना है, और वो अपने एग्ज़ाम तक वही फॉलो करे। कोई भी टॉपर भी या फिर कोई नॉर्मल भी सजेस्ट करे तो उनको चेंज नहीं करे। और रिवीजन तो 6-7 बार मिनिमम पीटी से पहले करना ही है, उसके बाद अब तो निगेटिव मार्किंग आ गया तो टेस्ट भी सॉल्व करना है और अपनी एबिलिटी भी देखना है कि कहाँ निगेटिव ज़्यादा हो रहा है और किस वजह से हो रहा है। तो ये सब पे काम करना है, पढ़ना भी और प्रैक्टिस भी और रिवीजन भी करना है। आपने इसे रिवीजन का नाम लिया था, मैं आपसे पूछूं कि रिवीजन का वो किस तरीके से पैटर्न होना चाहिए? जैसे मैंने आज कोई कंसेप्ट पढ़ा, कोई टॉपिक्स पढ़ा किस सब्जेक्ट का, तो वो रिवीजन किस प्रोसेस में होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए? आज अगर आप पढ़ लिए हैं तो उसको नेक्स्ट वीक आप थोड़ा सा अगर सो रहे हैं तो माइंड में रिकॉल कर लीजिए कि उस सब्जेक्ट में क्या क्या कॉन्सेप्ट थे, मेजर कॉन्सेप्ट। देन फिर वो सब्जेक्ट ख़त्म होता है, आप 2 स्लॉट रखिए, एक का पढ़िए और एक का रिवीजन कीजिए। तो ऐसे में पिछला भी आपका धीरे धीरे रिवाइज होते जाएगा और आगे भी आप कवर करते जाएंगे। तो ये रिवीजन का एक सही तरीका है। याद करने का तरीका क्या था आपका, कैसे आप याद करते थे? बहुत स्टूडेंट होते हैं कि बोलते हमसे याद नहीं होता, जाते हैं बात करें तो पूछे कि याद कैसे करना जी। जो भी मैं देखी प्रीवियस ईयर जो भी फैक्ट बेस्ड थे, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे, तो मैंने उन सबको एक नोट्स में कर लिया। और मैं ट्रैवल करती थी टोटो से, तो जाते वक्त आते वक्त मैं उसको पेज को देखते रहती थी, रात में रिकॉल करते रहती थी, तो याद आ गया। मैंने मेंस की बात करी है, मेंस में आपने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो किया था, किस टाइप के बुक लिस्ट थे, आंसर राइटिंग की बात करिए, वो कैसे किया आपने? अभी देखिए पैटर्न चेंज हो गया तो बात करने का जी, तो पहले तो हिस्ट्री भी अच्छे से पढ़ना होगा, कल्चर पार्ट अब ज़्यादा आ रहा है तो नितिन सिंघानिया देख सकते हैं, और करेंट अफेयर के जो भी इनसाइट के क्वेश्चन आते हैं वो डालते हैं सिक्योर पे, तो आप उससे आंसर राइटिंग कीजिए और वो एक मॉडल आंसर भी देते हैं, तो उससे आपको अपना कंटेंट भी मिल जाएगा और पता चल जाएगा। और यूपीएससी का जो टॉपर है विजन आईएएस पे उनकी कॉपी है, आप वो भी देखिए कि लिखते कैसे हैं, क्या कब लिखना चाहिए, फिगर कब डालना चाहिए, तो वो सब तरीका वहाँ से आता है। और आप रोज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो करेंट इवेंट होता है उस पर आप रोज़ लिख सकते हैं, तो वो भी एक प्रैक्टिस है। बाकी सब्जेक्ट की आपकी बुक लिस्ट कैसे, ज्योग्राफी में या फिर जो प्रीलिम्स में था वहीं था मेंस में? ज्योग्राफी जीएस की बात कर रहे हैं आप, पॉलिटी इकोनॉमिक्स की बात कर रही है, मेंस के रिगार्डिंग? मेंस के लिए तो अलग से नोट्स बनाना पड़ा था, हर कोचिंग का नोट्स पढ़ के मैंने स्पेसिफिक नोट्स अपना बनाया था, उसके बाद मैं उसको रिवाइज करके एग्जाम में लिखी थी। तो हिस्ट्री का तो ये हो गया, करेंट अफेयर का विजन का आईएएस का मंथली फॉलो की थी 6 महीने का, और स्टैट्स का एक बुक आता है उषा झा करके, तो उनका मैं फॉलो की थी स्टैट्स का, उनको सॉल्व कर रही थी। और पॉलिटी का मैं लक्ष्मीकांत ही पढ़ी, और एडिशनल जो कंटेंट है डायनेमिक कंटेंट है जैसे जुडिशियल एक्टिविज्म है उसके लिए एग्जांपल, तो वो मैं नेट से कर रही थी। और इकोनॉमी तो प्रीलिम्स का ही था, और आपको कुछ कंटेंट बनाना पड़ेगा स्पेसिफिक होके 8-10 टॉपिक पे। और साइंस एंड टेक के लिए भी नोट्स मैंने बाजीराव से बनाया था। जैसे आपने बताया कि नोट्स अपना सेल्फ बनाया था आपने, नोट्स बनाने का वो क्या तरीका होना चाहिए, क्या प्रोसेस होना चाहिए? रिक्वायरमेंट देखना चाहिए, वैल्यू एडिशन हो रहा है आपके नोट्स के कि नहीं। आपको 10 चीज़ पढ़ के एक अच्छा सा नोट्स बनाना है कि टू द पॉइंट आप आंसर कर पाएँ कोई भी टॉपिक को, तो वो ज़्यादा ये बेटर रहेगा मेरे। आपका लास्ट मैसेज क्या है 70th बीपीएससी के लिए, चाहे 69 जो मेंस के लिए? अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हैं तो आप सोचिए कि ये वैकेंसी आप ही के लिए, और अभी से लग जाइए, लास्ट रेस में मत आइए, और अभी से धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए, हो जाएगा आपका। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात की अपने, थैंक यू सो मच। इस बार सर्विस करता हूँ फाइनलिस्ट में नाम।